गुड मॉर्निंग बच्चों, रसायन के कुछ मूल अवधारणाएं टॉपिक में आज हम वाष्प घनत्व के विषय में चर्चा करते हैं। वाष्प घनत्व किसी गैस और हाइड्रोजन के समान ताप एवं दाब की स्थिति में उनके आयतनों के भारों का अनुपात होता है, अर्थात किसी गैस का वाष्प घनत्व उस गैस एवं हाइड्रोजन का समान ताप एवं दाब की स्थिति में समान आयतन के द्रव्यमान का अनुपात होता है, अर्थात किसी गैस का वाष्प घनत्व अगर हमें पता करना है तो वो राशि उस गैस का और हाइड्रोजन का समान ताप दाब की स्थिति में उनके समान आयतन लें, यानी हम जिस गैस का वाष्प घनत्व हमें लेना है उस गैस का और हाइड्रोजन का समान आयतन लें और उस समान आयतन में उन दोनों का जो भार होगा उसका अनुपात, उनका जो द्रव्यमान होगा उनका अनुपात उस गैस का वाष्प घनत्व कहलाता है। तो वाष्प घनत्व को हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, वाष्प घनत्व बराबर जिस गैस का वाष्प घनत्व निकालना है उसका गैस का निश्चित आयतन का भार, किसी गैस की निश्चित निश्चित आयतन, हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन या किसी गैस की निश्चित, एक मिनट थोड़ा सा इसे सुधार लेता हूं, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन बटे हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा का आयतन, उतनी मात्रा के हाइड्रोजन का आयतन। तो बच्चों, हम इस वाष्प घनत्व के सूत्र को, जिस गैस का हमें वाष्प घनत्व निकालना है उसके निश्चित मात्रा का आयतन बटे उतनी ही मात्रा के हाइड्रोजन गैस के आयतन के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और हमने देखा कि यह एक दूसरे, इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं कि उनके समान आयतन के भार का, उनके द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो हम इसी वाष्प घनत्व के सूत्र को आगे इसे हम लिख सकते हैं, गैस के उस निश्चित आयतन में जितना उसके अणु हैं उसका भार, यानी गैस के अणुओं का भार बटे हाइड्रोजन गैस के अणु भार।
तो हम देखते हैं कि गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन है उसका जो भार है वह और हाइड्रोजन गैस के अणुभार के अनुपात के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। अब उसमें समान अणुओं के भार हमें लेने हैं, जो जैसे कि गैस के हम निश्चित आयतन में उनके समान अणुओं की संख्या होती है, इसलिए हम इस गैस के n अणुओं का भार और हाइड्रोजन गैस के n अणु का भार लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में समान मात्राओं में अणु होंगे, समान आयतन में समान मात्रा में अणुओं की संख्या पाई जाती है। तो हम इसको मिटा के आगे की स्थिति में जाते हैं। अब हम वाष्प घनत्व को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब इनके n अणुओं का भार बटे हाइड्रोजन के n अणुओं का भार का अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ है और ये n यानी समान अणुओं की संख्या है, तो हम इसे एक भी ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो हम इसी सूत्र को लिख सकते हैं, गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक अणु का भार। इसको मिटाता हूं मैं भी। अगले स्टेप में हम वाष्प घनत्व को लिख सकते हैं, गैस के एक अणु का भार यानी गैस का अणुभार अपॉन हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं, तो हम इस हाइड्रोजन के अणु को एक अणु के भार को इस प्रकार लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणित दो। वास्तव में हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन के गैस के एक अणु में दो परमाणु होते हैं, तो इसलिए हम इसमें दो से गुणा करके अगर परमाणु भार को लिख दें, हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणित दो, तो ये वास्तव में हाइड्रोजन के एक अणु का भार यानी अणु भार के बराबर ही मात्रा होगी। अब इस समीकरण को हम आगे लिखते हैं। वाष्प घनत्व बराबर गैस का अणु भार बटे, अब यहाँ ध्यान दें हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणित दो है, इस गुणित दो को जो इस भिन्न के हर में है इसे यहाँ से अगर हम हटाएं तो ये तिर्यक गुणा होगा और ये वाष्प घनत्व से मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाष्प घनत्व गुणित दो बराबर गैस का अणुभार बटे हाइड्रोजन का परमाणु भार। हमें पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, इसलिए यहाँ पर अगर हम उस मान को रखें तो हम इस वाष्प घनत्व से संबंधित इस सूत्र को हम लिख सकते हैं, वाष्प घनत्व गुणित दो बराबर गैस का अणुभार बटे एक, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार एक के बराबर होता है। तो अब हमारे पास एक सूत्र डेवलप हो जाता है कि अणु भार बराबर दो गुणित वाष्प घनत्व
एक से भाग देने पर हमें यहाँ पे एक अणुभार वाला हिस्सा बस मिलेगा और ये बराबर दो गुणित वाष्प घनत्व। तो हम अणुभार का सूत्र की तरह ले सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में या किसी समीकरण में यदि वाष्प घनत्व दिया हुआ है तो हम उसका दुगना करके उसके अणुभार की गणना कर सकते हैं, या यहाँ से हम वाष्प घनत्व बराबर लिख सकते हैं अणुभार बटे दो। अर्थात किसी यौगिक के अणुभार का आधा करने पर हमें वाष्प घनत्व प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस वाष्प घनत्व की गणना हम कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग इस वाष्प घनत्व के पश्चात में किसी यौगिक के प्रतिशत संगठन के की जानकारी लेते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिशत संगठन की। प्रतिशत संगठन की जरूरत हमें किसी भी यौगिक में कितने तत्व मौजूद हैं, उसके तत्वों की कितनी मात्रा मौजूद है, इसके लिए जरूरत पड़ती है। और इस आधार पर हम उसके सूत्रों का निर्धारण कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में जब व्यापक चर्चा करेंगे तब हमको इन प्रतिशत संगठन के द्वारा उनकी मात्रा को निकालने की बातें सामने आएंगी। प्रतिशत संगठन का तात्पर्य, संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, कि किसी यौगिक में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं और उनकी कितनी मात्रा है। लेकिन वह मात्रा अगर हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संगठन प्रतिशत संगठन कहलाता है। प्रतिशत संगठन दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला प्रतिशत संगठन हम उनके भार के द्वारा निकालते हैं, यौगिक के अणु सूत्र से ज्ञात करते हैं। हम अणु सूत्र से इसकी गणना करते हैं, और दूसरा भारात्मक विश्लेषण के द्वारा। इन दो तरीकों से किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अणु सूत्र से हम प्रतिशत संगठन ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अणु सूत्र में, किसी भी यौगिक के अणु सूत्र में एक से ज्यादा तत्व मौजूद होते हैं और उन तत्वों की उसके कुल यौगिक, उस यौगिक के कुल अणु भार में मात्रा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक ये जानकारी होती है कि उस यौगिक के अणु भार में से उस तत्व की इतनी मात्रा है जितनी भी सम्मिलित होती है, तो 100 में कितना, इस आधार पर हम प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट में 7 क्रिस्टल पानी के जुड़े हुए हैं। इस यौगिक में इसके तत्वों का कितना प्रतिशत सम्मिलित है, आइए हम इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले ये अणुसूत्र है इसका, अब इसका हम अणुभार निकालते हैं। अणुभार की गणना करने के लिए इस दिए गए सूत्र में जितने भी तत्व सम्मिलित हैं उन तत्वों का हम परमाणु भार निकाल के उन्हें हम जोड़ देते हैं। तो जिंक का परमाणु भार 65 धन सल्फर एक बार है जिसका परमाणु भार 32 प्लस ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के 4 परमाणु इस यौगिक में जुड़े हुए हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, इसलिए 4 परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 16 × 4 प्लस पानी के यहाँ पे 7 अणु सम्मिलित हैं। हम इन्हें एक साथ अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 7 × हाइड्रोजन
का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन सम्मिलित हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1×2 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो हम देखते हैं अणुभार प्राप्त होता है 65×32×16 का 4 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 64×7 और ब्रैकेट में मिलेगा हमें 2×2 16। इसे आगे हम और हल करें तो हमें मिलेगा 65×32×64×7×16 और 2 18। अब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा, आगे और देखते हैं, पहले 65×32×64×18 में 7 का गुणा करें तो 7×8=56 हासिल 5, 7×1=7 और 5×12। तो इस प्रकार से जल के अणुओं का द्रव्यमान 126 है और शेष जिंक सल्फेट में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान यहाँ लिखा हुआ है। इन सब को हम जोड़ें तो जिंक सल्फेट और जिसमें 7 क्रिस्टल पानी के जुड़े हुए हैं, इनका कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा 6×4=10, 2×12 और 5×17=7। हासिल है 1, 2×1=3, 3×6=9, 9×3=12, 12×6=18=8। हासिल 1×1=2। तो इस प्रकार इसका अणुभार प्राप्त होता है 287। तो इस अणुसूत्र अगर हमें ज्ञात है तो हम अणुसूत्र से पहले उसका अणुभार की गणना कर लेते हैं। अब इस आणविक द्रव्यमान या अणुभार जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें पृथक पृथक प्रत्येक तत्व का कितना योगदान है उसे हम देखते हैं। हम देखते हैं 287 में जिंक का जो भाग सम्मिलित है वो 65 भाग सम्मिलित है। तो 287 में जब 65 सम्मिलित है तो 100 में कितना, इस आधार पे हम प्रत्येक तत्व के प्रतिशत मात्रा की गणना करते हैं। उस हिस्से को हम यहाँ देखते हैं, जिंक की प्रतिशत मात्रा बराबर, इसे हम पहले एक एक नियम से ऐसा लिख सकते हैं कि 287 ग्राम जिंक सल्फेट इंटू 7 क्रिस्टल ये पानी के में 65 ग्राम जिंक है। तो 1 में निकालेंगे फिर 100 में निकालेंगे तो 1 ग्राम में जिंक बराबर 65/287 ग्राम। तो 100 ग्राम में जिंक बराबर 65×100/287 ग्राम। जब इस फिगर को कैलकुलेट हम करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 22.65 ग्राम। हम 65 का 100 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 287 से गुणा करने पर हमें ये फिगर प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखें इसको, तो ये स्टेप जो हमने अभी समझने के लिए लिखा इसे हम सरल रूप में सीधे ही बना सकते हैं। वास्तव में यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिंक की प्रतिशत मात्रा बराबर जिंक की मात्रा गुणित 100। एक सूत्र बन जा रहा है ये 65×100/287 को हल करने पर जिंक की मात्रा प्राप्त हुई। यहाँ 65 जो है वो जिंक का भार है, तो जिंक की मात्रा गुणित 100/287 उस पूरे यौगिक का अणुभार आया था, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं यौगिक की मात्रा। तो जिंक की प्रतिशत मात्रा बराबर जिंक की मात्रा यानी जिसका प्रतिशत निकालना है उसकी मात्रा गुणित 100 वह जिस यौगिक से आया है उस यौगिक की कुल मात्रा। तो अब हम इसे सूत्र की तरह उपयोग करके
इस तरीके से लिखने से हम बच सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो पृथक पृथक हर तत्व के लिए इस तरह से गणना कर सकते हैं। खैर, हम इस चीज को सूत्र के रूप में लिखें तो हमको ये फिगर फिर प्राप्त होगा, अर्थात 65 गुणित 100, क्योंकि जिंक की मात्रा है 65 और गुणित 100 बटे यौगिक की मात्रा है 287। 287 ग्राम यौगिक में 65 ग्राम जिंक है, तो इस प्रकार हमें ये फिगर प्राप्त होगा 22.65 ग्राम। चलिए अलग अलग हम अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं जिंक के बाद सल्फर की प्रतिशत मात्रा। तो हम सल्फर की प्रतिशत मात्रा अब देखते हैं। सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें सल्फर की मात्रा लिखनी होगी यहाँ पे, और हमने जो सूत्र लिया था उसे हम यहाँ फिर लिखते हैं, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O। यहाँ पे सल्फर तत्व की संख्या एक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, यानी इस जिंक सल्फेट और 7 क्रिस्टल पानी का जो लगा हुआ है जिसका कुल अणुभार 287 प्राप्त हुआ था, अर्थात इसके 287 ग्राम में सल्फर की 32 ग्राम मात्रा सम्मिलित है, तो सल्फर का प्रतिशत मात्रा होगी 32 गुणित 100 बटे 287 ग्राम। सल्फर की प्रतिशत मात्रा के इस फिगर को हम अगर कैलकुलेट करें तो ये मात्रा हमें 11.15 ग्राम प्राप्त होती है। सल्फर के बाद में हम ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम इसी तरीके से इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 × 4 अर्थात यहाँ पे 64 ऑक्सीजन के ग्राम, 64 ग्राम इसके इस 287 ग्राम जिंक सल्फेट और 7 क्रिस्टल पानी के सम्मिलित हैं, उसमें वह 64 ग्राम सम्मिलित है। ऑक्सीजन हालांकि इस पानी में भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इस पानी के क्रिस्टल की अलग से प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन के साथ सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 64 × 100 बटे 287, और इस फिगर को कैलकुलेट करने पर हमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 22.30% प्राप्त होती है। इसके पश्चात हम सीधे ही पानी के क्रिस्टल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। पानी के क्रिस्टल में ऑक्सीजन है, जैसे कि मैंने कहा कि हम ऑक्सीजन को अलग से ले लिए हैं और ये पानी के पूरे क्रिस्टल की प्रतिशत मात्रा अलग से ले रहे हैं। पानी के इस 7 क्रिस्टल का कुल अणुभार कितना था जो हमने कैलकुलेट किया था, हम यहाँ पे मिटा चुके हैं, इसलिए हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 16 और 2 18, 18 × 7 यानी 126, 18 × 7 = 56 की 6, 5 × 7 = 7 और 5 = 12, यानी 126 ग्राम योगदान पानी के क्रिस्टल का है। तो पानी के प्रतिशत मात्रा होगी 126 × 100 बटे 287, जहां 287 क्या है, इस पूरे क्रिस्टल का आणविक द्रव्यमान। तो इस हिस्से को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको इसकी मात्रा 43.90% प्राप्त होती है। तो ये एक तरीका है अणुसूत्र के द्वारा तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकालने का, प्रतिशत संगठन को ज्ञात करने का। चलिए अब हम इस दूसरी विधि देखते हैं जिसमें भारात्मक विश्लेषण के द्वारा प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जा सकती है। बच्चों, दूसरी विधि है भारात्मक विश्लेषण।
के द्वारा। भारात्मक विश्लेषण के द्वारा तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने संबंधी बातें एक अंतिम अध्याय में भी सम्मिलित हैं, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के शुद्धीकरण एवं विश्लेषण पाठ में अध्ययन करते हैं। फिलहाल हम इसकी कुछ थोड़ी सी उसमें तो विधियां भी लिखी हुई हैं, फिलहाल हम इसके द्वारा इसमें देखते हैं कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है, दहन करता है अथवा अभिक्रियाशील होता है, तो उस यौगिक की जितनी मात्रा हमें प्राप्त होती है उस मात्रा के आधार पे हम इसकी गणना करते हैं। इसमें एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण से हमें ये समझने में मुश्किल नहीं होगी। हमें इसमें तत्व की मात्रा ज्ञात होती है और उस तत्व की मात्रा को उस पूरे यौगिक के निश्चित भार में से हम कैलकुलेट करके और फिर 100 से गुणा करके हम इसकी मात्रा निकाल लेते हैं। एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, CHO से बने किसी कार्बनिक यौगिक के 0.2475 ग्राम के दहन से 0.4950 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एवं 0.2025 ग्राम पानी यानी H2O प्राप्त इतने ग्राम ये प्राप्त होता है। यौगिक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। तो जैसा कि इस प्रश्न में कोई यौगिक नहीं दिया हुआ है तो इसका अणुसूत्र हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए अणुसूत्र के माध्यम से ज्ञात करने वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ सीधे ही तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। एक पदार्थ दिया हुआ है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है और उसकी मात्रा दी हुई है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है जलाने पर और उससे पानी प्राप्त हो रहा है। तो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड की गणना करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होता है कार्बन का 12 धन ऑक्सीजन का 16 गुणित 2, यानी कुल मिला के कितना हो गया ये 32 यानी 12 धन 32, इसलिए कुल मिला के हो गया ये 44। अब हमारे जो कार्बनिक यौगिक में तीन तत्व मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें अगर कार्बन की प्रतिशत संगठन की गणना करनी है तो हम इस संकल्पना का उपयोग करेंगे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा है 12। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा 12 है, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44 होता है। तो 44 ग्राम में कार्बन 12 है, तो हमने जो पदार्थ लिया था वह लिया था 0.2475। तो 0.2475 ग्राम पदार्थ में कार्बन बराबर हो जाएगा 12/44 × 0.2475, ठीक है। कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड इतना निकला हुआ है, इसलिए यहां पे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा 12 ग्राम है, तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड में कितना 0.4950 ग्राम में, तो 0.4950 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा हो जाएगी 12/44 × 0.2475
4950 ग्राम। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है इसमें कितना कार्बन होगा? तो ये जो कार्बन निकला वो इतने कार्बन डाइऑक्साइड में निकला हुआ है, लेकिन हमारा जो पदार्थ था ये पूरा इतना था और ये यहीं से आया हुआ है, इसलिए हम ये मानते हैं कि इसमें से ये कार्बन की मात्रा आई हुई है। तो इससे हम आगे, इसे मिटाता हूं मैं, तो इस प्रकार इस फिगर को हम आगे और बढ़ाते हैं तो हम प्राप्त कर लेते हैं कि दशमलव जो हमने पदार्थ की मात्रा ली थी, पदार्थ की मात्रा थी 0.2475, तो 0.2475 ग्राम में उपस्थित कार्बन बराबर 12/44 × 0.4950 ग्राम, क्योंकि ये वास्तव में इसी में से आया हुआ है। तो अब प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो हमें 100 में निकालना पड़ेगा, तो 100 ग्राम यौगिक में कार्बन बराबर हो जाएगा 12/44 × 0.4950 × 0.2475 × 100। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा का वास्तव में एक सूत्र भी है, अगर हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो उसका मान होता है 12/44 × कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो दशमलव हमारे प्रश्न में 4950 है, बटे उस पदार्थ की मात्रा जिसमें से हमें कार्बन तत्व की गणना करनी है, गुणित 100। जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलता है 54.54%। अब हम इसी प्रकार हाइड्रोजन तत्व की गणना करते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत गणना करने के लिए हमें पुनः पूरी प्रक्रिया को करने की बजाय हम इसे सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 2 × 18 × पानी की मात्रा जो उस अभिक्रिया से प्राप्त हुई थी और वह थी 0.2025 बटे ये पूरा जो पानी निकला था वह जिस पदार्थ की मात्रा से निकला था, उस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, उसको हम लिखेंगे 0.2475 × 100। तो जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 9.09%। हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की गणना अप्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करते हैं, अतः ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर जो अन्य तत्व हैं उनके योग को 100 में से घटाने पर शेष मात्रा ऑक्सीजन की मानी जाती है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 ऋण हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा धन कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो ये फिगर हम आगे, अगर हम इसके आगे गणना करें तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस कार्बन, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकली है 9.09 धन कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकली 54.54, तो हमें प्राप्त होगा 100 ऋण, इन्हें जोड़ दें तो हमें मिलेगा 9, 4, 13 की 3, 5 और 1, 6 63.63, और इसे घटा दिया जाए तो हमें मिलेगा 7, इधर बचा 3, यहाँ बचा ये 6 और यहाँ बचा ये 3, 36.37% ऑक्सीजन उसमें सम्मिलित होगी। तो इस प्रकार हम भारात्मक विश्लेषण के द्वारा तीनों तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने
पदार्थ के मोल संकल्पना इसके वाष्प घनत्व को देखा, माफ कीजिएगा, मोल संकल्पना पे आधारित ये गणना थी, वाष्प घनत्व को देखा, उसके पश्चात इसके प्रतिशत संगठन के निकालने की इन दोनों विधियों के बारे में अध्ययन किया। हम अगली कक्षाओं में मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र ज्ञात करने के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।